तो हेलो एवरीवन, आज हम एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करेंगे। इसमें क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल एट विच अ स्टोन कैन बी थ्रोन एंड ऑलवेज बी मूविंग अवे फ्रॉम द थ्रोअर। तो जैसे कि मैंने यू स्पीड से एट एन एंगल थीटा पे किसी स्टोन को थ्रो किया, तो वो एक ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन में गया। और फिर इधर एक और कहा है कि ये हमेशा मूविंग अवे है, मतलब ये जो डिस्टेंस डी है उसका टाइम के साथ जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फिर ये एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं उनके बारे में डी ऑफ डी बाई डी टी हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है। तो हमें डी का एक एक्सप्रेशन ढूंढना है। डी क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम इन दोनों के बीच में लगाते डी एक्स और डी वाई के बीच, डी एक्स डी वाई। तो डी में ढूंढू तो आया अंडर रूट यू कोस थीटा टी का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आया डी का। इसे हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये आया यू स्क्वायर टी स्क्वायर, इसको और इस इन दोनों के स्क्वायर को कंबाइन करने से प्लस जी स्क्वायर टी पावर 4/4 माइनस यू साइन थीटा जी टी क्यूब। अब हमें चाहिए कि डी ऑफ डी बाय डी टी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो डी ऑफ डी बाई डी टी हम ढूंढे, मैंने इसे अंडर रूट टी के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया, तो वो आया 1/2 अंडर रूट यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी पावर 4/4 माइनस यू साइन थीटा जी टी क्यू। अब इसे मैंने अंडर रूट टी पढ़ा है, तो इसके डिफरेंशिएशन से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो होगा 2u² t प्लस g² tq माइनस 3u sin थीटा जी टी स्क्वायर। फिर ये टर्म तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो जी स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3u sin थीटा जी टी स्क्वायर प्लस 2u² t मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो इधर एक टी हम जीरो के साथ ले जाए, तो हमें मिला जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 3u sin थीटा जी टी प्लस 2u² मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हमें पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम बनाए, तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम ग्राफ बनाए जिसके लिए ये जो a का टर्म है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो उसका ग्राफ या तो ऐसा आएगा या फिर ऐसा आ सकता है। सॉरी एक सेकंड, एक बार टच करें, या फिर ऐसा आ सकता है। ये ग्राफ कब आएगा, जब इसके दो पॉसिबल रूट्स होंगे। तो इधर हमें ये पता है कि b² - 4ac अगर जीरो के इक्वल होता है तो वो ऐसे टच करते हुए एक बार ग्राफ आएगा, और अगर वो इधर लेस देन जीरो होगा तो वो ऐसा ग्राफ आएगा। इधर ये ग्राफ का रीजन है कि यहाँ पे ये जो ए का टर्म है ना वो ग्रेटर देन जीरो है। तो अब यही चीजों को हम ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि b² - 4ac हमेशा लेस देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो वो हम इधर डाले तो 9u² sin² थीटा जी सॉरी 9u²
साइन स्क्वायर थीटा जी स्क्वायर माइनस 8 u² g² लेस देन इक्वल टू 0। एक जी स्क्वायर हमने हटा दिया, एक यू स्क्वायर हमने हटा दिया, तो हमें मिला कि साइन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2√2/3। सो थीटा कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। तो हमने ये प्रॉब्लम को इस वे में सॉल्व किया।